मोगा के गांव मलके में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले में आज मुख्य गवाह गुरसेवक सिंह की पेशी हुई, लेकिन अब अदालत ने अगली तारीख 24 फरवरी दी है। गुरसेवक सिंह ने कहा कि आरोपियों की तरफ से जानबूझकर केस की तारीख बढ़ाई जा रही है, वहीं उनकी सुरक्षा हटाए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि पुलिस के अधिकारी हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर ही गवाह गुरसेवक को सुरक्षा देने की बात कह रहे हैं। तो मोगा के गांव मलके में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी और उसी मामले में आज दरअसल मुख्य गवाह गुरसेवक सिंह की पेशी हुई, लेकिन अदालत ने अब अगली तारीख मुकर्रर कर दी है। 24 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बीच आपको बता दें, जो मुख्य गवाह गुरसेवक हैं उसने कहा है और ये आरोप भी लगाया है कि आरोपियों की तरफ से जानबूझकर केस की तारीख को बढ़ाया जा रहा है और वहीं सुरक्षा हटा दी गई है, तो उसको लेकर भी गुरसेवक का बयान आया है और उन्होंने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। जिथे सरकारां नूं अपना फर्ज पछानना चाहिए, गुरसेवक सिंह फौजी नूं सिक्योरिटी देनी चाहिए है, पक्की सिक्योरिटी देनी चाहिए है। उत्थे पिछले दिनों दे विच दो गनमैन SSP सरदार परमजीत सिंह बाजवा वालों दिते गए 13 तरीक नूं, 15 तरीक नूं जिहड़ा हैगा उन्हां नूं वापस बुला लिया गया। पता नहीं किहदे कहिण ते ओह गनमैन गुरसेवक सिंह फौजी कोल पहुंचे सी, पता नहीं किहदे कहिण दे उपर ओह जिहड़े हैगे आ वापस हो गए आ। हाँ जी, मैनूं धमकियां दित्तियां सी इन्हां ने कि भी ऐं करके तैनूं असीं पंचकूले की हाल किया हैगा, देखे तू तेरा तक तू तो कला ही है, तो पंचकूला हिला के रखते साड़ता सीगा घंटे वे दी। फिर मैं हाईकोर्ट, मैनूं धमकियां दित्तियां फोन के उत्ते, वैसे भी मैनूं जो लंघदा टपदा धमकियां दिंदे हैगे आ। तो हुण फिर हाईकोर्ट दे विच पाई हुई है रिट, 28 तरीक नूं पंजाब सरकार जवाब मंगया हैगा इन्हां ने, हाईकोर्ट ने भी जवाब दो, अपना 9 महीने सिक्योरिटी मंगी हुई है। DGP नूं चिट्ठी पाई सी, मुख्यमंत्री साहब नूं चिट्ठी पाई सीगी, साढ़े वालों सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई हैगी है। तो जो कोई डेट होंगी है तो उसके एक्स्ट्रा बंदे भी भेज दते। यही गल है भी 13 तरीक फिक्स ही इस केस की, जो संबंध में बंदे भेज दते गए से एक्स्ट्रा, तो उस तो बाद ड्यूटी निभाण तो बाद वापस आ गए। फिलहाल उन्होंने एक बंदा जोड़ा है प्रोवाइड किया गया है। इस तो अलावा उन्होंने हाईकोर्ट के एक रिट लाई हैगी है, वो वेरीफिकेशन करके हाईकोर्ट में जवाब दे दिता जाऊगा। मानयोग हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर पास कर दी है उस मुताबिक उस ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। मौजूद हैं हमारे संवाददाता नवदीप। नवदीप, आखिरकार क्या वजह रही जो अगली तारीख दे दी गई है, 24 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी, क्योंकि जो मुख्य गवाह हैं वो ये कह रहे हैं कि आरोपियों की तरफ से इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं कि बार बार तारीखें दी जा रही हैं। 2015 में मोगा के गांव मलके में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी, जिसके मुख्य गवाह गुरसेवक सिंह थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट का रुख किया था कि उनकी जान को खतरा है, जिसके लिए उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट का जो है उसने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। तो 28 तारीख को जो है पंजाब सरकार ने जवाब देकर भेजना है उसका, और आज उनकी तारीख थी। और वो इस बात से खफा थे कि आरोपियों का पता लगने के बावजूद भी आरोपियों की तरफ से नार्को टेस्ट और फिंगरप्रिंट की बार बार मांग की जा रही है, ताकि ये। शुक्रिया नवदीप इस अहम जानकारी के लिए।